एंड्रॉयड यूजर के लिए काफी जरूरी सेटिंग है ये। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं तो आप प्ले स्टोर भी यूज करते होंगे, अगर प्ले स्टोर यूज करते हैं तो एप्लीकेशंस भी आप डाउनलोड करते होंगे। तो दोस्त आज की इस वीडियो में आपको प्ले स्टोर के ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप इस सेटिंग के बारे में जानेंगे तो आप कहेंगे कि वाह सत्यम भाई क्या चीज़ बताया आपने, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फाड़ू सेटिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इसे मिस कर दिया ना तो आप कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो जीरो। तो ज़रूर आप इस सेटिंग के बारे में जानिएगा और अपने फ़ोन में जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो अगर दोस्त आप इस ट्रिक को करना चाहते हैं सो प्लीज़ आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए। और दोस्त अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो इंस्टाग्राम पर DM करिए। अब चलिए डायरेक्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम अपना प्ले स्टोर को ओपन करने वाले हैं। ओके तो प्ले स्टोर यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर लेते हैं। ओके जैसे कि मैं यहाँ पर पबजी लाइट यहाँ पर सर्च कर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरा पबजी लाइट जो है वो डाउनलोड में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं 10% यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। और मान लीजिए कि डाउनलोड करते करते मेरा डेटा जो है वो ख़त्म होने लगा और जो है मेरे पास डेटा नहीं है और मुझे डाटा बचाना भी है, तो यहाँ पर हम इसे पॉज नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे इतना पे रोकना है ओके, और हम दूसरे दिन इसे हम डाउनलोड कंटिन्यू करेंगे तो हम यहाँ से इसे पॉज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्त एक हम ट्रिक लगाएंगे जिसकी मदद से हम इस डाउनलोडिंग को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑन ऑफ का बटन है, तो सिंपली आपको इसे यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है गूगल प्ले स्टोर। ओके यहाँ पर चलिए हम गूगल प्ले स्टोर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो इसका जो है वो यहाँ से हम बंद कर देंगे, डाटा ब्लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर चलिए हम डायरेक्ट हम प्ले स्टोर में चलते हैं और आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोडिंग है वो 50% पे जो है वो रुक चुका है, यानी कि इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओके तो अब इसे जो है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट डे, यानी कि दूसरे दिन हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे हमारा डेटा भी बच जाएगा, हम थोड़ा सा डाउनलोड भी कर लेंगे। ओके थोड़ा थोड़ा कोई भी चीज़ हम डाउनलोड करेंगे जिससे कि हमें भी पता नहीं चलेगा कि हाँ मेरा डेटा ख़त्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मतलब कि थोड़ा थोड़ा अगर किसी चीज़ में मतलब कि लगता है डेटा तो मतलब पता नहीं चलता है। अगर एक ही बार लग जाएगा 1.5 GB का, 1.5 GB पूरा लग जाएगा या फिर 500 MB लग जाएगा तो मतलब कि बहुत ही अखड़ता है। यहाँ पर जो है वो आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते वक्त प्ले स्टोर पर आप जो है पॉज कर सकते हैं। ओके तो काफ़ी कमाल की ट्रिक है, अपने फ़ोन में जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ओके लिंक आपको इस एप्लीकेशन का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही दोस्तों, बहुत ही मतलब कि काम का चीज़ है, जरूर अपने फ़ोन में ये चीज़ रखिएगा, कभी ना कभी आपको जरूर काम आ जाएगा। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर DM करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।